1, 2, 3, go. La 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 la. La 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 la. La 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 la. I know जितनी भी आर्मी है उनको मेरा ये जो बहुत ही कचरा सा ट्रायल था समझ में आ गया होगा, बिकॉज मैंने दो टाइप में करा, मतलब समझ तो आ गया होगा यार, ऐसे मत करना, समझ तो आ गया होगा, ट्राई करा मैंने. बट यू नो ये जो एक वीडियो है, मैं कितने टाइम से सोच रही थी कि मैं इसको फाइनली प्रेजेंट करूं. बिकॉज पता है होता क्या है कि जब कोई चीज़ आपकी बहुत प्रेशियस होती है, दिल के करीब होती है, आपको समझ में नहीं आता कि कैसे आप उसको प्रेजेंट करो, रिप्रेजेंट करो. मतलब कि वो जो दिल की 100% जो ख्वाहिश होती है ना, वो कैसे कंप्लीट होगी हमें नहीं समझ में आता. इस चक्कर में मैंने ये जो BTS की कॉफ़ी है, ये मैंने ख़रीदी थी जब कोरिया फेयर हुआ था 2021 वाला. एंड अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो मैं लिंक कर दूंगी, आप ज़रूर देखना. एंड ये जो कॉफ़ी है ना, मैं मतलब जब मैंने इसको ख़रीदा था ना, आई वाज लाइक कि यार मैं मतलब ऐसे सामने है मेरे एंड मैं इसको हर दिन देख रही हूँ, मैं इसको खोलने, मुझे खोलने का भी मन नहीं कर रहा बिकॉज ऐसा है कि यार चीज़ ख़राब ना हो जाए. बट एक चीज़ अच्छी है कि मुझे वहाँ पे ना एक लड़की थी जो कि ऑब्वियसली इस कोरिया फेयर इन इंडिया में रिप्रेजेंटेशन कर रही थी, सारे सामान वगैरह जो भी चीज़ें थी, तो उसने मुझे बताया था कि ये जो BTS की कॉफ़ी है, हो इसमें से एक हम निकाल लेते हैं एंड हम निकालेंगे अभी RM को, हमारे लीडर. तो उस लड़की ने मुझे बताया था कि ये जो पैक है इसके अंदर में क्या है कि ये सारी बॉटल रियूजेबल है. तो मुझे ऐसे था कि अरे वाह, तब तो मतलब क्योंकि चीज़ ख़राब हो जाए इतनी प्रेशियस तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ना. तो अभी हमारे पास ऐसी 7 bottles हैं विथ एवरी मेम्बर की शक्ल के साथ, एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट. इट्स सो स्वीट, इट्स लाइक वाओ. तो मैंने ना बहुत टाइम से यही था कि यार मैं कैसे शेयर करूँ, कैसे शेयर करूँ, एंड फाइनली आज हमने वो करेज लेके आपके साथ शेयर करा है. बिकॉज लाची मोलाला एवी फालतू बोल गई मैं अभी, मगर अभी ये रहा. एंड इसको हम प्रॉपर इसकी पैकेजिंग आपको दिखाएंगे, कैसे ये थी एंड कैसे इसको ओपन करा था वो अच्छा सा. ये रही है वीडियो.
अब हम ये अपना पहली बार, ये ना दो उसमें था, एक तो इस कलर में था और एक पर्पलिश ब्लूइश समथिंग उस कलर में था, वो कोल्ड बेस में था, एंड ये वनीला लाते हैं वो कैपेचिनो था, तो वो वाला ना कड़वा था, इस चक्कर में मैंने नहीं लिया कि नहीं यार कड़वा तो ना पी पाएंगे, ये हम ले लेते हैं। तो ये वनीला लाते हैं, ये देखो देखो देखो, एंड अब हम अपना ये मग निकाल रखा है एंड इसमें हम डालेंगे, एंड इसकी भी वीडियो हमने आपको पपली बनाई है तो वो दिखा देंगे। क्या बोलेंगे इसको? दिस इज़ नो रिव्यू ऑफ BTS की कॉफ़ी, मैं पहले ही बता दूँ, ये बस मेरी खुशी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, दैट्स इट, नो रिव्यू, नथिंग। इसको तो हम धोएंगे और इसको हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे। तो फिलहाल दिस वॉज वन थिंग, ये तो एक थी BTS के 7 मेंबर्स वाली कॉफ़ी, एंड अभी हम दिखाने जा रहे हैं एक और चीज़ जो आप में से जो लोग भी आर्मी है उन सबको पता होगा, गारंटी है, एंड वो है ये वो कोई फेरे नहीं डब्बा। टाडा, सो दिस इज हमारे जंगकुक की, इसको रख दो ध्यान से, सो दिस इज हमारे जो जंगकुक है उनका फेवरेट मिल्क, बनाना मिल्क, एंड ये इस्तेमाल तो नहीं हो पाएगा बट एक्सपायर होने से पहले तो पी लेते हैं, 9 मंथ्स की एक्सपायरी थी इन पे, कचरा हो जाता। तो अब फिलहाल इसको हम ट्राई करने जा रहे हैं एंड फिर से हम बोलेंगे नो रिव्यू, बस दिल खुश। एनी ये रहा जंगकुक का बनाना मिल्क, दिस इज एक्चुअली लाइक लाइट सा बनाना शेक, एकदम लाइट सा। तो इसको तो हम थोड़ा आराम से पियेंगे हमारे गोल्डन मखने के जंगकुक की मिल्क को बाद में, एंड अभी एक और चीज़ है जो मैंने ख़रीदी थी जो कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि वो किसकी फेवरेट है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी मिल्क, दिस इज़ स्ट्रॉबेरी मिल्क, आप बताओ ये किसका फेवरेट है, एंड जीतने वाले को कुछ नहीं, मेरी तरफ से बहुत सारे हार्ट्स मिलेंगे, हार्ट ऐसे हार्ट 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 बहुत सारे हार्ट्स मिलेंगे मेरी तरफ से और क्या। तो ये हम अब ट्राई करने जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी मिल्क को, मगर अब हम ट्राई करने जा रहे हैं मिल्क को, ओहो हमारे दो मिल्क और कॉफ़ी। सो बस ये वीडियो यहीं तक का था, दिस वॉज नॉट सो मच एग्जैचुरेटेड वन, बट एक और चीज़ आपको, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ देखी हैं आपको पता होगा कि मैंने BTS का एक तो मील ट्राई कर रखा है, उसके कटआउट्स मेरे पर पड़े हुए हैं जो मैकडॉनल्ड्स वाला था, और उसके साथ में मैंने BTS की एक बॉटल ले रखी थी जो कि मैंने मजनू का टीला से ली थी, ठीक है। अब ये है BTS की शर्ट, पता नहीं आपको ठीक से दिखनी होगी नहीं दिख रही होगी मुझे नहीं पता, बट ये है BTS की शर्ट जो मैंने खरीदी, शर्ट नहीं सॉरी स्वेटशर्ट बोलेंगे, हाँ ये हुडी वाली स्वेटशर्ट ही बोलेंगे ना इसको, हुडी वाली स्वेटशर्ट है ये, कचरे बहुत देर से बंधा होगा, बट ये हमने BTS की शर्ट खरीदी है ऐसी सुंदर, ये हमारी BTS की तो मस्त से सुंदर कलर के साथ मुझे ये मिली थी, आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं Amazon पे मिल जाएगी, एंड वेरी गुड क्वालिटी, और मैं इसका लिंक भी डाल दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर में जो है, जिसमें से आप जाके सामान खरीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। तो बस और क्या ही बोले, तो दिस इज़ लाइक मेरा एक नया एक और चीज़, इज़ सो प्रिटी, मुझे इतनी खुशी हुई थी ना जब ये आई थी मेरे पास। तो अभी फ़िलहाल ये हमारा BTS का खूब सारा कॉफ़ी जो अभी है मेरे पास 3-4 महीने और पड़े हुए हैं, और आराम से इसको पियेंगे एंड इसको ख़त्म करने के बाद फिर हम इसकी बॉटल्स यूज़ करेंगे, बिकॉज़ वाई नॉट।
अब कैसा आपको लगा क्या ही बोलूँ मैं, कैसा लगा आपको वीडियो मेरा ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एंड बहुत मुश्किल से मैंने ये वीडियो बनाया बिकॉज मुझे ना मन ही नहीं कर रहा था कि मैं इन सब चीज़ों को मतलब ओपन भी करूँ, यूज़ भी करूँ। मुझे मन कर रहा था कि मतलब मैं ऐसे एकदम दीवार में सजा दूँ, ऐसे रख दूँ छुपा के कि कुछ छू ना सके, बस मैं देखती रहूँ। बट वो चीज़ आप ऑब्वियसली ये सब पेरिशेबल प्रोडक्ट्स आप इनके साथ कर नहीं सकते हो। तो फिलहाल कैसा लगा आपको मेरा वीडियो मुझे ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एंड आई होप कि यू आर ऑल्सो हैप्पी जब आपने वीडियो देखा। एंड जब कभी नेक्स्ट आया ना कोरिया फेयर इन इंडिया फिर से, तो हम और कुछ BTS के कुछ प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। ये तो चलो कॉफ़ी हो गई। और जैसे कि मैंने बताया कि ये पूरा जो डब्बा था 7 मेंबर्स का, OT7 का, दिस वॉज 2000 का सिंगल। अगर आप लेना चाहते हैं ये 300 समथिंग का था। और ये है कि आपका कौन बायस है उसके ऊपर आप लेते हो, बट हम हैं OT7 बिकॉज आई थिंक ये 7 मेंबर्स अगर एक साथ ना होते तो ये BTS ना बनता। हर एक मेंबर इज़ इम्पॉर्टेंट एंड उनकी एक अलग पर्सनालिटी है, अलग एक ऐसी छवि है जो कि दूसरे में नहीं है, एंड दे ऑल आर यूनिक। तो ये रहा हमारा, क्या ही बताऊँ मैं, तो बस कुछ है ही नहीं मेरे बचने, तो हम चलो बात करते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर। एंड प्लीज़ बताना मुझे ज़रूर कि आर यू OT7 और डू यू हैव अ बायस। ठीक है, फिर हो सकता है आगे जाके मैं सोच रही हूँ कि कोई एक वीडियो बनाऊँ जिसमें ऐसे पर्टिकुलर मेंबर्स के बेस पे हो, या एक फुल BTS हो, या आई डोंट नो, आई थिंक अबाउट इट। हम देखते हैं, सोचते हैं, बहुत टाइम है इन सब चीज़ों में। तो अपना ख्याल रखना, बाय बाय एंड टेक केयर।